हेलो वेलकम टू गाइस दोस्तों, माय नेम इज एसकेआरडी और नेशन स्टूडियो में आप सभी को स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो मेरे पास वीवो का फोन है दोस्तों, और इस फोन में प्रॉब्लम आता है चार्जिंग का, एरर का। तो मैं आपको सबसे पहले इस फोन को ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो मैं फोन को ऑफ कर दिया दोस्तों, मैं फिर इसको मैं चार्ज में लगा के देखूंगा किसमें प्रॉब्लम आता क्या है। तो ये रहा मेरा स्विच ऑफ हो गया मेरा फोन, अब मैं इसको चार्ज में लगाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा फोन बिल्कुल चार्ज उठा लिया है, लेकिन देखिएगा इसमें क्या प्रॉब्लम आने वाला है। तो देख सकते हैं इस प्रकार का प्रॉब्लम है मेरे फोन में। तो इसको किस प्रकार से आपको ठीक करना है, सबसे पहले इसको खोल लेने हैं दोस्तों। तो खोल लेने के लिए दोस्तों थोड़ा वीडियो में स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों इसको मैं खोल लेता हूँ, थोड़ा सबसे पहले मैं इसको सिम मेमोरी कार्ड को निकाल लेता हूँ। तो मेरा निकल चुका है, अब इसको मैं खोलूँगा। खोलने के लिए यहाँ से साइड से आपको नाखून के सहारा से या किसी चौड़े परत से आप इसको खोल सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरा फोन बिल्कुल खुल चुका है। अब मैं इसमें क्या काम करने वाले हूँ, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे नोट दिया हुआ रहता है, तो थोड़ा सा बैटरी कनेक्शन में थोड़ा सा काम करने वाले हैं। तो देखते हैं मेरा प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहला स्टेप करूंगा, फिर दूसरा स्टेप करूंगा, और पहला स्टेप नहीं होगा तो दूसरा स्टेप आपका जरूर 100% वर्क करेगा। तो मेरा नोट खुल चुका है और एक नोट बचा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको खोल लेना है। तो मेरा सभी नोटों खुल चुका है दोस्तों, अब देखता हूँ मैं। सबसे पहले मेरा बैटरी उसको खोल रिमूव करना है। ये रहा मेरा बैटरी का पत्ता, तो मैं सबसे पहले इसको निकाल लेता हूँ बैटरी को अच्छी तरह से। तो बैटरी को इस प्रकार से हमने निकाल लिया है दोस्तों बिल्कुल आसानी से। अब इसमें क्या काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें इस पे हल्का सा ब्रश मारना है पेट्रोल से, और यहाँ पे मारना है। तो दोस्तों हल्का सा पेट्रोल ले लेनी है इसमें। पेट्रोल लेने के बाद आपको यहाँ पे साफ कर देना है, और ये वाला पिन है इस पर भी आपको साफ कर देनी है अच्छी तरह से, और ये वाला सभी को आप साफ कर दीजिए एक बार क्लीन करके। जब खोले हैं तो थोड़ा साफ ही कर देते हैं, उसके बाद समझ में आएगा दोस्तों कि प्रॉब्लम है क्या। तो इस प्रकार से हमने साफ कर दिया बिल्कुल, आप भी साफ कर दीजिए। साफ कर लेने के बाद दोस्तों मैं फिर से इसको लगा देता हूँ। लगा दिया दोस्तों, अब मैं इसको चार्ज में लगा के देखूंगा क्या प्रॉब्लम वही है। तो देखिए क्या होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं आप इसको काम करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, इस बैटरी को खोल लेनी है। ये बैटरी को खोल लेनी है,
खोल लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला टेप जो लगा हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से खोल लेने हैं। इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों बैटरी की, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बैटरी का प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से आपको खोल लेने हैं। तो हमने बिल्कुल खोल चुका है, इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसमें ये वाला जो कैपेसिटर देख रहे हैं ये मेरा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, जिसके कारण से हमारे फ़ोन में बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है और एनेबल चार्ज दिखाई दे रहा है। तो आप किसी पुराने बैटरी से, जैसे ये रहा मेरा, किसी पुराने बैटरी का ये वाला भाग यानी कि ये वाला, ये बैटरी आपका बिल्कुल सही है, आपको ये वाला भाग किसी पुराने बैटरी से निकाल के, जो बैटरी ख़राब है सेम, तो वो वाला आपको इसमें लगा देनी है। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, मैंने वो बदल चुका है। तो आप लोग के सामने मैं दिखाता हूँ दोस्तों, तो देख सकते हैं बिल्कुल मेरा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुका है। आप भी उस बैटरी कैपेसिटर को आप बदलिए, किट को, बैटरी किट, तो आपका भी प्रॉब्लम बिल्कुल 100% सॉल्व हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा फ़ोन वही है, तो देख सकते हैं मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल 100% सॉल्व हो चुका है। तो आपको मैं दिखाता हूँ वो मैं कौन सा बदला। तो ये वाला जो है, ये वाला पत्ता आप किसी दुकानदार के पास जाइएगा कि पुराना वीवो का बैटरी है, तो वो आप उससे ले लीजिए कुछ रुपये में और आप ये वाला चेंज कर दीजिए, सिर्फ ये वाला। ये वाला चेंज करने के बाद आपका प्रॉब्लम बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इससे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।